हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीके लर्निंग। मेरा नाम है विजय पंडित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन क्यों मनाते हैं और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य। जिस देश में खुशियाँ दीपक जलाकर मनाई जाती है, आखिर उस देश में ये मोमबत्तियाँ जलाकर खुशियाँ मनाने का रिवाज कहाँ से शुरू हो गया? मैं आपको बता दूं कि यह भारत की प्रथा तो बिल्कुल नहीं है, दरअसल यह पश्चिमी देशों से आई है जो आज भारत देशों में मनाया जा रहा है। माना जाता है कि ग्रीक यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने पूजा स्थल जाते थे और जलती हुई मोमबत्ती से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर मोमबत्तियों को बुझाते थे। इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्ती का उड़ता हुआ धुआं सीधा भगवान के पास जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया है कि जब हम मोमबत्ती को बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, वहीं जब आप केक किसी को खाने को देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया को ज़्यादा खा लेते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर केक पर मोमबत्ती लगाना और उसे फूंक कर बुझाना सेहत के लिए घातक भी हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियाँ जलाना तो शुभ माना गया है, किंतु मोमबत्तियों को जलाकर उन्हें बुझा देना उसे अशुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ मोमबत्ती से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया तो भारतीयों ने केक पर मोमबत्ती लगाना और उसे बुझाना शुरू कर दिया, मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी शुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा में किसी कारण से जलते जलते दिया अगर बुझ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी बताई कि क्यों जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती को बुझाया जाती है। तो यहाँ पर करते हैं दोस्तों वीडियो समाप्त। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फैक्ट्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।